प्यार, लव, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है, मगर द फीलिंग इज ऑलवेज सेम। आज हम जो भी कर रहे थे उस पर प्यार लिखा था, द लव वॉज इन द एयर। गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर लाइफ। सो टुडे वी हैव एन इवेंट इन आवर कॉलेज और इवन हमारा एक परफॉर्मेंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सो ही इज फैज, द रियल सुल्तान ऑफ आवर ग्रुप, आवर प्रेसिडेंट मिस्टर ओमकार घारगे एंड माय बेंच पार्टनर। ही इज अक्षय, द टॉपर ऑफ आवर क्लास। ही इज अनिकेत, द मोस्ट इनोसेंट गाय ऑफ आवर ग्रुप। एंड इट्स मी, आप मुझे तो जानते हो, कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सो नाउ अभी एंजॉय करते हैं आज की हमारी ये गैदरिंग। सो चलिए ऊपर। सो द प्रोग्राम गॉट स्टार्टेड एट 10 AM एंड एज सून एज इट स्टार्टेड जो एनर्जी लेवल थी दैट वॉज जस्ट क्रेजी। सीनियर्स जूनियर्स एक दूसरे के साथ ऐसे डांस कर रहे थे जैसे कि वो क्लासमेट हो। और मुझे अभी भी याद है जब एक फैकल्टी मेंबर ने कहा कि अभी तुम नाच लो बेटा, हम सबमिशन के टाइम में तुमको देख लेंगे। और तभी एक लड़के ने कहा, हम दुनिया को सताने आए हैं ऐसे नहीं जाएंगे, हम दुनिया को सताने आए हैं ऐसे नहीं जाएंगे, आप फेल करके तो दिखाओ, नेक्स्ट ईयर हम फिर से आएंगे। और तभी मुझे एक पोएम याद आई और वो ऐसी थी कि दिलों में पासिंग का डर लेकर जी रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, दिलों में पासिंग का डर लेकर जी रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, कि बियर को बॉनविटा समझकर पी रहे हो तो इंजीनियर हो तुम, कि हॉस्टल में रहते हो और मैगी को अपना भगवान समझते हो तो इंजीनियर हो तुम, और ब्लैक बोर्ड से ज़्यादा अगर मैडम को देखते हो तो इंजीनियर हो तुम। तो सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, द एनर्जी लेवल वॉज हाई, मतलब वो जो एनर्जी थी वो नेक्स्ट लेवल थी। एंड जो मैकेनिकल के बॉयज़ थे वो कुछ ज़्यादा ही जोश में थे। तो तभी एंट्री होती है हमारे प्रिंसिपल सर की और वो कहते हैं ना, एवरीबॉडी इज़ अ गैंगस्टर टिल यू सी द मॉन्स्टर, ये कुछ वैसे ही फीलिंग थी। पूरा क्राउड साइलेंट हो गया, एवरीबॉडी वॉज साइलेंट। एंड उसके बाद एंट्री होती है हमारे आज के चीफ गेस्ट की। सो आवर टूडेज चीफ गेस्ट वॉज श्वेता शिंदे मैम। शी इज़ एन इंडियन एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर ऑफ लागी रे झाले जी, आ CEO धनवंतरी वांगडे मैम एंड आ मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर रोहित वांगडे सर। आज हम सब खुश थे, द लव वॉज इन द एयर। आज मौसम में खुशहाली थी, आज फूलों की खुशबू भी आ रही थी। और उसी समय मुझे कोई दिखा, अ वुमन हैविंग कैंडल इन हर हैंड एंड द स्माइल ऑन हर फेस वॉज जस्ट प्राइसलेस। एंड आफ्टर दैट नाउ इट्स आवर टाइम टू परफॉर्म। और हमारे ग्रुप की बस एक ही खास बात थी कि हम में से किसी ने भी अपने लाइफ में स्टेज पर जाकर कभी डांस नहीं किया था। So here are some glimpses of that performance. पता नहीं क्या जादू है कॉलेज लाइफ में, जहाँ अनजाने मिलते हैं और दोस्त बन जाते हैं जिंदगी भर के लिए, जिनके साथ आप हंसते हैं रोते हैं मगर जिंदगी जीना सीखते हैं,
और सच्चे दोस्त वही होते जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते और मुश्किल वक्त में वही दोस्त आपके दरवाजे के बाहर खड़े नजर आते हैं। द मोमेंट आई हैव रियलाइज दैट ये मोमेंट्स खत्म होने वाले हैं, मैं बहुत इमोशनल हो गया। पता नहीं कैसे मैं अपने आंसुओं को रोक रहा था। मुझे पता था कि मैं ज़्यादा देर तक अपने आंसुओं को रोक नहीं पाऊँगा, तो आखिर मैंने अपना मुंह धो लिया, क्योंकि चार्ली चैपलिन ने यह तो कहा है, अगर आपको रोना हो तो बारिश में रोएगा, क्योंकि जब आप भीगे होते हैं तब आपके आंसू नहीं दिखते। प्यार, प्यार, बहुत सारा प्यार, बताया था मैंने आपको आज, There was love in this air। तो अगर आप आपके कॉलेज लाइफ के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, इफ़ यू आर हैविंग फाइट विथ योर फ्रेंड, प्लीज़ गो टू दैम एंड से सॉरी टू दैम, बिकॉज दिस इज़ द कॉलेज लाइफ विच यू आर नेवर गोइंग टू गेट अगेन इन योर लाइफ। सो दिस वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, दिस वॉज बेस्ट डे ऑफ माई कॉलेज लाइफ। सो इफ यू हैविंग फाइट विथ एनी वन, गो एंड से सॉरी टू दैम, नो मैटर इट्स योर मिस्टेक और देयर मिस्टेक, द सॉरी इज द की टू योर फ्रेंडशिप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई लव यू ऑल।